ईटानगर पंचायत के महादेव घुरो सड़क के बगल नगर पंचायत के अधिकारियों के द्वारा PWD सड़क का किनारा कूड़ा ट्रैपिंग केंद्र बना दिया गया है। लगातार सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता को लेकर जिले के आल अधिकारियों से लेकर तहसील व विकास खंड तक लोगों को जागरूक किया गया है। आपको बताते चलूं कि सरकार के द्वारा कूड़ा घर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च होती है, लेकिन यहाँ की स्थिति बदहाल है। राहगीरों ने बताया कि यह नगर पंचायत के रहमोकरम से आज हम लोगों गंदगी से जूझ रहे हैं। नगर पंचायत इटवा के द्वारा जो है आज देखा गया कि घुरहू महादेव चौराहे के बगल में यानी नगर पंचायत का जो कूड़ा वहाँ गिराया गया। लोगों का जो है आरोप है कि यहाँ आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही शर्मनाक है। अभी भी मेरे संज्ञान में आया है कि घुरहू महादेव जो कि एक चौराहा है और बहुत ही घना चौराहा है, वहाँ पर नगर पंचायत का कूड़ा ले जाकर डंप करना, संक्रमण को दावत देना, वहाँ पर हजारों संख्या के लोग में जो है लोग मौजूद रहते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है इन लोगों के द्वारा। और रहा मसला कूड़े का, तो ये पूरे नगर पंचायत में, हमको तो पूरा नगर पंचायत उन्होंने लगता है कूड़ादानी बना दिया है। साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है और जो इलाके साफ थे उसको भी जैसे लग रहा है उन लोगों ने गंदा कर दिया है। नगर पंचायत को सजाने संवारने के सजाना सवारा छोड़ दीजिए, उसको लगातार गंदा कर रहे हैं। ये यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही जो है दुखद है और इसके चलते संक्रमण फैलेगा। और नगर पंचायत जो एक साफ़ सुथरा नगर पंचायत होना चाहिए था, उस पर ये बहुत बड़ा एक धब्बा है। सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है, तो नगर पंचायत के जो आला अधिकारी इनके द्वारा जिस तरीके का कचरा गिराया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अब ये अपने ही सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं या इनको लगता है कि सरकार का ये जुमला है और जुमला समझकर जो अधिकारी है, कर्मचारी है नगर पंचायत का, उसको शायद फॉलो कर रहा हो। वो सरकार के मंसूबों पर या तो पानी फेर रहा है या तो जुमला समझ कर ये काम कर रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम बिल्कुल चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जहाँ घनी आबादी है, जहाँ चौराहे हैं, जहाँ लोग आते जाते हैं, ऐसे जगहों पर कभी भी डंपिंग ना किया जाए, कूड़ा कचरा वहाँ ना डाला जाए। और नगर पंचायत की जो दुर्दशा इस वक्त बनी हुई है, गंदगी पूरी तरीके से फैली हुई है, उसको तुरंत जो है यहाँ के जो नगर पंचायत के जिम्मेदार हैं और जो अधिकारी है उसको तुरंत संज्ञान लें और इसकी सफाई का उचित कदम तुरंत उठाएँ। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए हम जो है नगर पंचायत वासी सड़कों पर होंगे। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।